मसाला मैंने खरीदा था और इसको मैंने जब आज खोला था, आप इस तरह इसमें देख सकते हैं कि इसमें से देखें, एक तो कीड़े इसके अंदर मौजूद हैं। आप ये कीड़े वाजे तौर पर इसमें यहाँ देख सकते हैं कि एक तो इसमें कीड़े मौजूद हैं और सेकंड आप इसकी ज़रा ये हालत देखें। जब आप देख सकते हैं किस तरह ये लटक रहा है, ये मसाला ऐसा होता है, ऐसा होता है मसाला। ये देखें, ये देखें, ये झोंक कर देखें आप कैसे निकल रहा है। ये चिकन का शान मसाला है, इसको काटा है, ये इसको अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह हो रहा है, इसमें कीड़े आप देख सकते हैं, इसमें कीड़े मौजूद हैं, वाइट वाइट। मैं आपको हो सके तो कीड़े भी दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये मसाला कोई बग़ैर देखे पैकेट खोल के हांडी में डाल दें, या जिस तरह बाहर बहुत सारे बिरयानी बनाने वाले, मुतफरिक चीज़ें बनाने वाले, अगर ये चिकन मसाला जो साशे काटे और उसमें डाल दें, तो आप देखें कि ये आप मौत खा रहे हैं। इसमें फंगस लगा हुआ है, इसमें फफूंदी लगी हुई है। आप ये फफूंदी देख सकते हैं कि इसमें ये फफूंदी लग चुकी है, इसमें फंगस लगा हुआ है। तो इतनी गंदी किस्म की ये जो चीज़ बेच रहा है शान मसाला, ये क्या मतलब, रमज़ान में तौबा कर लो, अल्लाह का खौफ कर लो, तुम्हें अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेगा। लोगों को जहर खिला रहे हो यार, कोई शर्म होती, कोई हया होती है? शान मसाला अगर इस पैकेट को कोई खोल के खा ले, तो आप इस मसाले की हालत देखें, इस मसाले की हालत क्या हो रही है इसकी। ये ऐसा होता है मसाला, इस तरह हाथ में पूरी बोटी उठ कर आ जाती है, ये मसाला ऐसा होता है शान मसाला। और आप इस पैकेट में भी देख सकते हैं, इस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ भी 3 अक्टूबर 2020 तक कारामद है, ये एक्सपायर नहीं हुआ है, 3 अक्टूबर 2020 तक कारामद है। उसके बावजूद आप देखें शान मसाले वाले, अगर ये पैकेट कोई बाहर पकाने वाले जिस तरह खोल के पूरा पैकेट डाल दिया जाता, अगर ये वो डाल दें, तो आप ये क्या खा रहे हैं, फफूंदी लगा हुआ, फंगस लगा हुआ मसाला। तो शान मसाले का मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, शान मसालों का बायकॉट करें, इस मसाले को इस्तेमाल ना करें। हाँ, ये बात एक जगह ठीक भी हो सकती है कि शायद एक पैकेट में ऐसा मसाला हो, लेकिन ये एक पैकेट ही खाने वाला तो मरेगा। इस एक पैकेट को खाने वाले इंसान की कोई कीमत नहीं होगी क्या उसकी ज़िंदगी की? तो ये गलत है। आप लोग शान मसालों का बायकॉट करें, खुदारा घर में मसाला बना लें, अपनी आंखों से नज़र से खुला हुआ मसाला देख लें, खुद बना लें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चिकन शान मसाला मैंने ख़रीदा है, चिकन मसाला, और जब इसके पैकेट को मैंने खोला है, अभी भी बिल्कुल इस पैकेट को खोला, इस पैकेट में से फफूंदी लगा हुआ, फंगस लगा हुआ मसाला निकला है। आप इसकी हालत देख सकते हैं, ये किस तरह लटक रहा है, इस मसाले में फंगस लगा हुआ है। और ये शान मसाले वाले गैर मयारी अशिया से मसाले बनाकर आवाम को खिला रहे हैं। आवाम पहले ही परेशान है, कोई गुर्बत से मर रहा है, कोई भूख प्यास से मर रहा है, कोई कोरोना से मर रहा है, और इस दौरान ये शान मसाला जो ये गंद खिला रहा है। अब आपको खुदा रहा, इस शान मसाले का बायकॉट करें, शान मसाले की बिल्कुल इसका बायकॉट कर दें, इसको बिल्कुल खाना आप लोग बंद कर दें। ये जहर खिला रहे हैं आवाम को, और आप खुला मसाला ले लें या घर में अपना मसाला बना लें, या कम से कम वो चीज़ ले लें जो आपको नज़र से नज़र आती हो। ये पुराना मसाला है या क्या है, हालांकि इसकी एक्सपायरी भी अक्टूबर 2020 तक है लिखी हुई इसके ऊपर। अगर मैं ये आपको दिखा सकूं तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये वो सेहतमंद चीज़ है जो पाकिस्तानी लोगों के लिए पेट में उतारना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, ये क्या है ये, और ये देखें, ये फफूंदी लगा हुआ मसाला है, ठीक है, ये फफूंदी लगी हुई मसाले में, सड़ा हुआ मसाला है, ये खिला रहे हैं आप लोगों को भाई, और आप लोग खा रहे हैं मज़े से, क्योंकि आप लोग तो आसमान से अगर गोले भी बरसेंगे तो आपका खाना पीना तो बंद नहीं होगा भाई। सादगी से ज़िंदगी आप गुजारेंगे नहीं, दाल रोटी आपसे खाई नहीं जाएगी, आपको तो जायके चाहिए, तो भाई लोग आपके जायकों के चक्कर में आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं। फफूंदी लगा हुआ मसाला आपको खिला रहे हो और आप खा रहे, खाओ मरो, या फिर शान मसाले का बायकॉट करो, बंद कर दो इस गंद को खाना, घर का मसाला बनाओ, घर में खाओ जो खा सकते हो भाई।